फ्रेटर्निटी हमारे सामने प्रेजेंट करता है, लीगल कैपेसिटी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो इधर हम इसको एक्सपीरियंस किया या और बहुत नजदीक किया मेंटल हेल्थ मेंटल इलनेस के साथ। टेक्नोलॉजी प्लेइंग अप एज यूजुअल। आप लोग का इतना तक कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, कोई डिलेमा है जो आप रेज करना चाहते हैं? अभी आपको मैं एक शॉकिंग बात बताऊं, ये साइकोलॉजिस्ट जो निकालते हैं वो एकदम बकवास है, क्योंकि ये जो बुद्धांक जो निकलता है, आईक्यू जो निकलता है और जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, वो क्वेश्चंस कॉन्टेक्स्ट के साथ, उनका सोशल ट्रैजेक्टरी के साथ कोई नाता नहीं रखता है। और ये भी हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और बुद्धांक का बारे में बात कर रहे हैं, आपका आर्ग्यूमेंट होगा कि बुद्धांक जो है वो हम लोगों का जीवन का हर संदर्भ को प्रभावित नहीं करता है, चैलेंज करेगा। और हम लोग को ये भी याद रखना है कि हम लोग जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो भी एक हाईली पॉलिटिकल होना चाहिए। हम लोग अभी मेंटल रिटार्डेशन नहीं कहते हैं, हम लोग उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। राजनीति भाषा का एक राजनीति होता है और वो जुड़ा होता है हम लोग का जो मनोभंगी है, हम लोग का जो मानसिकता है उसके साथ। अगर हम लोग कॉग्निटिव रियल में हम चेंज नहीं करते हैं तो हमारा जो फीलिंग लेवल है वो भी चेंज नहीं होगा। सो हम लोग आज से हम लोग मेंटल रिटार्डेशन नहीं कहेंगे, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहेंगे। और हम लोग मेंटली फैमिली मेंबर्स और किन किन को एम्पावर करता है। अब अगर मान लीजिए कि मैं अक्षम हूँ, मैंने सामाजिक रूप से ये अब्यूज कर सकते हैं मेरे को, तो ये एडवांस डायरेक्टिव और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव क्यों हम लोग डाला नया लॉ पे जो अभी ड्राफ्ट पे दौर में है, अभी नहीं हुआ है, वो एक बड़ा बात है। फिर उसके साथ जो जो हुआ है वो बजट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बजट भी एक तरह से एक इंटरप्रिटेशन होता है कैसे हम लोग कानून और सीआरपीडी को देख रहे हैं, उसमें हम नहीं जाते हैं। मगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो नया ड्राफ्ट जो निकला अभी बातचीत उस पे चल रहा है, उसमें ईसीटी का बारे में बात किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि ईसीटी जिस तरह से दिया जाता है इंस्टीट्यूशन में वो कंप्लीटली टॉर्चर, इल ट्रीटमेंट, डिग्रेडेशन, इसके इट कम्स अंडर दिस टॉर्चर, cruelty and treatment and degradation. So that's important. फिर नया जो बिल है वो बात किया है साइको सर्जरी का, जो हम लोग ब्रेन पे ईसीटी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट ईसीटी और एक मॉडिफाइड ईसीटी। So what is ECT?